बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं अमजद अली साबर एडवोकेट मुस्लिम उम्मा टीवी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि विल की कितनी अकसाम हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको वसीयत के मतलब बताया था, तो आज की वीडियो में हम आपसे ये शेयर करेंगे कि वसीयत की कितनी अकसाम हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वसीयत की अकसाम: नंबर एक, मखसूस हदायत की हामिल वसीयत। नंबर दो, ज़ेर बार करने वाली वसीयत। नंबर तीन, आइंदा हालात पर मबनी वसीयत। नंबर चार, वसीयत ख़ास और उसका इस्तरदाद। नंबर पाँच, वसीयत हिबा। नंबर छः, कर्ज ख्वाहों और ख़र्चा के हकदारों में वसीयत। तो मखसूस हदायात की हामिल वसीयत: अगर वसीयत कनिंदा अपनी वसीयत नामे की रूह से जिसके हक में वसीयत की जा रही है को कोई रकम देने की हदायत करे और शर्त यह हो कि वो इस रकम का किसी ख़ास कारोबार पर लगाएगा, तो इस सूरत में यह तसव्वुर किया जाएगा कि कोई शर्त आयद ही नहीं की गई। तो नेक्स्ट है, अगर वसीयत नामे में ऐसी शर्त आयद की गई हो कि फ़लां शख्स के मफाद के लिए मुनाफा इस्तेमाल किया जाएगा और वो शख्स ही ना रहे, तो जायदाद वसीयत तसव्वुर होगी। नेक्स्ट है जी, अगर ये शर्त आयद की गई हो कि वसीयत करदा रकम से कोई ख़ास चीज़ खरीदी जाए और उस चीज़ का हसूल नामुमकिन हो या खिलाफ़ कानून हो, तो ऐसी वसीयत बिला शर्त तसव्वुर होगी। अगर वसीयत कनिंदा के हक में हो, तो जब तक ऐसा शख्स अपना वसी होना साबित ना कर दे, जायदाद का हकदार ना होगा। यानी जिसके हक में वसीयत की गई है वो जब तक इसको ज़ाहर ना करे, तो तब तक वो प्रॉपर्टी का हकदार ना होगा। नेक्स्ट है जी, ज़ेरे बार करने वाली वसीयत: अगर वसीयत गुरू से मुसीला पर कोई ज़िम्मेदारी आयद की गई, तो जब तक मुसीला ऐसी ज़िम्मेदारी को पूरा ना करेगा, तो तब तक उस वक्त तक वसीयत का नफाज नामुमकिन होगा। नेक्स्ट है, अगर किसी के हक में दो वसीयतें हों, तो एक ज़ेरे बार करने वाली और दूसरी सादा, तो जिसके हक में वसीयत की जा रही है तो उसकी मर्ज़ी है कि वो एक वसीयत को पर अमल दरामद करवाए या दोनों वसीयतों पर अमल दरामद करवाए। नेक्स्ट है जी, आइंदा हालात पर मबनी वसीयत: अगर वसीयत नामा में मजकूर हो कि कोई ख़ास वाक़या वक़ू पज़ीर होने पर फलां जायदाद फलां शख्स को कर दी जाएगी और वक़्त का कोई ज़िक्र ना किया गया हो, तो उस सूरत में जब तक ऐसा वाक़या वक़ू पज़ीर ना हो, तो वसीयत पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट, अगर वसीयत यूं हो कि इस तरह के अफराद में से इन शराइत के हामिल अफराद को जायदाद मुंतकिल होगी कि उनमें से ऐसे अफराद जो कि वसीयत पर अमल दरामद के वक्त मौजूद होंगे, उनके हक वसीयत मुअस्सर होगी। नेक्स्ट है जी, वसीयत ख़ास: जब कोई शख्स अपनी जायदाद से मखसूस हिस्सा जायदाद के बारे में वसीयत करता है, तो ऐसी वसीयत को वसीयत ख़ास या मखसूस वसीयत कहते हैं, और जिस जायदाद से मुतलका ये वसीयत की जाती है, तो इस जायदाद को मखसूस जायदाद या मखसूस वसीयती जायदाद कहते हैं। यानी जब प्रॉपर्टी के मखसूस हिस्से की वसीयत की जाए, तो ऐसी वसीयत को मखसूस वसीयत कहते हैं। मिसाल, जैद बकर के हक में वसीयत करता है कि मेरी दो स्याह घोड़ियाँ जो मैंने हारत से खरीदी थीं, मेरी वफात के बाद बकर को दी जाएं। इस्तरदाद वसीयत ख़ास: वसीयत ख़ास मदद ज़ैल सूरतों में मुस्तरद हो जाएगी। नंबर एक, अगर वसीयत ख़ास में
मतरुका जायदाद वसीयत की निंदा की वफात तक मौजूद ना रहे या उसकी किस्म में तब्दीली वाक़ हो जाए। अगर वसीयत यूं हो कि फलां चीज़ फलां शख्स से वसूल की जाए और वो चीज़ वसीयत की निंदा अपनी ज़िंदगी में ही वसूल कर ले, अगर ऐसी जायदाद का कुछ हिस्सा वसूल कर लिया तो हो तो इस तरदादी हिस्से तक तसव्वुर होगा, बकिया हिस्सा वसीयत के हामल के सुपुर्द किया जाएगा। अगर वसीयत ख़ास वाली जायदाद से हासिल होने वाली रकम किसी दूसरे को बज़रिया वसीयती हिबा दी जाए तो पहले वसीयत ख़ास की अदायगी होगी, और अगर कुछ रकम बच जाए तो वो वसीयती हिबा के हामल को दी जाएगी, वरना इसका हिस्सा मुस्तरद तसव्वुर होगा। अगर वसीयत ख़ास वाली जायदाद किसी दूसरे शख्स की तहवील में और वसीयत कनिंदा इसे वसूल करके दूसरी जायदाद में इस तरह मदगम कर दे कि उसकी अलग शनाख्त ना हो सके तो वसीयत मुस्तरद हो जाएगी। नेक्स्ट है जी वसीयती हिबा। मर्ज़ुल मौत की हालत में हिबा की बजाय वसीयत की जाती है और उस पर वसीयत के तमाम असूलों का इतलाक़ होता है। इस किस्म की वसीयत को वसीयती हिबा कहते हैं। अगर कुछ शख्स मर्ज़ुल मौत से बच जाए और तंदरुस्त हो जाए तो वो मर्ज़ुल मौत की हालत में की गई वसीयत को मंसूख करवा सकता है। नेक्स्ट है जी कर्ज़ ख्वाहों और ख़र्चा के हकदारों में वसीयत। नंबर एक, अगर कोई जायदाद की कर्ज ख्वाह के हक अगर कोई जायदाद के किसी कर्ज ख्वाह के हक में वसीयत शुदा हो और वसीयत नामा में उसका बतौर कर्ज तज़ाकरा ना किया गया हो तो ऐसी वसीयत कर्ज के अलावा शुमार होगी। यानी अगर तो कर्ज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए वो वसीयत की जा रही है उसका मेंशन होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो सादा वसीयत तसव्वुर होगी। नेक्स्ट से अगर वसीयत किसी ऐसी औलाद के हक़ में हो जिसका खर्चा हासिल करने का हक हो तो जब तक वसीयत में खर्चे का जिक्र ना हो वो औलाद खर्चा और वसीयत दोनों की हकदार होगी, और इस किस्म का कोई तस्फिया बाद अज़ां हो जाए तो इसकी बुनियाद पर वसीयत मुस्तरद ना होगी, तस्फिया के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने आज मुलाहज़ा किया कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि वसीयत की कितनी अकसाम हैं और मैंने वो डिटेल से आपसे डिस्कस किया, उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर भेजें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।